खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां उस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली ने शाहराहे दस्तूर पर एहतजाज शुरू कर दिया। इस एहतजाज में ख्वातीन के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। मुतासरा फैमिली का ये कहना था कि उनके अफराद को कत्ल कर दिया गया है और बासर अफराद ने उनकी प्रॉपर्टी और उनके मकान पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस एहतजाज के बायस कुछ देर शाहराए दस्तूर ब्लॉक रही, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन के साथ मुजाकरात शुरू कर दिए। मुजाकरात कामयाब हुए और इस तरीके से एहतजाज करने वाली फैमिली ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। आपको एक बार फिर एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद की शाहराहे दस्तूर के, जहां पर पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली ने एहतजाज शुरू कर दिया और इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक का बहाव भी मुतासर हुआ। आपको ये भी बताते चलें कि इन मुतासर अफराद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और जो अफराद उनके कत्ल हुए हैं उनके मुलजमान को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, और इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किया गया है और उनके मकान पर जो कब्जा किया गया है वो भी वागजार कराया जाए। ये मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस के जो 3 जवान हैं वो ये मुजाहरा करने वाले शख्स को उठा रहे हैं ताकि शरह दस्तूर को क्लियर किया जा सके, जबकि दूसरी जानेब इसके बच्चे और ख्वातीन भी नज़र आ रहे हैं।